तीसरी बात, मुझे ये खबर आई है कि आपके टैंकर मनमाने रेट लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपका तेल का खर्चा, आपका पानी का खर्चा, प्लस जो आपने ड्राइवर का खर्चा निकालना है, जो आपको टायरों का है, आपको कोई पैसे, बिजनेस किस लिए करता है आदमी, पैसे बचाने के लिए। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, जायज़ पैसे और सब लोगों को। पानी हर व्यक्ति के लिए है, पहले पानी पिलाते थे लोग, अब पानी बेचने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसमें सारा और पूरी लिस्ट दे दीजिए टैंकर एसोसिएशन के, बाहर के टैंकर नहीं आएंगे। निशांत, इन तीनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, एंड वाटर क्राइसिस वॉज इन द नेशनल न्यूज़पेपर्स। आई होप सॉर्टिंग आउट विल ऑल्सो बी इन नेशनल न्यूज़पेपर्स। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ हिमांशु शर्मा। DC रियासी विशेष पॉल महाजन ने अभी अभी झज्जर का दौरा किया है, जो वाटर पॉइंट को कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कल से यहाँ लिया हुआ है, उसको उन्होंने देखा, निरीक्षण किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो कटरा में और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे पानी की दिक्कत आ रही थी, अब वो दूर हो जाएगी। और इसका उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अब जो दाम हैं उनको भी कंट्रोल किया जाएगा, ताकि आम आदमी भी झज्जर पॉइंट से पानी ले सके। आप देखें ना NH1 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। देखिए, पानी की किल्लत जो है, सप्लाई के साथ साथ वेस्टेज एक बहुत बड़ा कारण है। आपने एक ऑर्डर देखा होगा, कल हमने निकाला कि आप अपनी गाड़ियाँ मत धोइए, आप बरांडे धोने के लिए, बिल्डिंग धोने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उनको इस्तेमाल मत करिए, जो पीने का पानी है, फर्स्ट चार्ज पीने के लिए। तो एक तो उसमें मैं चाहता हूँ आप अपने चैनलों द्वारा लोगों तक पहुँचिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि पानी जो है पीने का पहले और उसके बाद बाकी कामों का है। वाटर पॉइंट, ये मैं SDM, तहसीलदार, SDPO, रादर SP और SHO तक सबको बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। पानी की सप्लाई टू अ लार्जर एक्सटेंट कटरा को मिल रही है, जो किल्लत पिछले 2 या 3 दिनों से खबरों का एक सुर्खियों में था, वो मुझे लगता है टू अ लार्जर एक्सटेंट हो गया। मैंने जो हमारा जल शक्ति विभाग है उसको ये हिदायत दी है कि वो 2-3-4 नए सोर्सेज एक्सप्लोर भी करें। कोशिश ये रहेगी कि हर गर्मियों में, जब मैं यहाँ नहीं था तब भी हम सुनते थे कि कटरा में पानी का क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि गर्मी और यात्रा की बढ़ोतरी वो एक साथ होती है, छुट्टियाँ पड़ती हैं बच्चों की, यात्री ज़्यादा आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जल शक्ति वाले हैं आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में हमें कुछ ऐसे सोर्सेज दे देंगे जहाँ पानी था लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जब वो हो जाएगा तो टारगेट एक ही है कि कटरा अगली गर्मियों में, इस गर्मी में हैंडल हो जाए और अगली गर्मियों में क्राइसिस पैदा ही ना हो। सर, क्राइसिस कौन रेगुलेट करेगा सर, और मिनिमम डिलीवरी प्राइसेस क्या रखे जाएंगे, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे सर? प्राइसेस रेगुलेशन की बात जहां तक है, मैंने जल शक्ति के चीफ इंजीनियर को बताया है, उन्होंने मुझे एक डाटा एनालिसिस करके भेजा है, हम उसके मुताबिक आने वाले दिनों में रेट्स को फिक्स कर देंगे। प्राइस कंट्रोल जहाँ तक रहेगा वो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन SDM और ASP का, और जो इनके एक्सियन हैं PHE का, उनका दारोमदार रहेगा, वो इंश्योर करेंगे कि पानी पानी के दाम पे ही बिके, किसी और चीज़ के दाम पे ना बिके।